Hello and welcome back to my channel Shop and Explore. I am Sapna. In today's video we are exploring Mughal Garden. Actually yahan par video allowed to nahi hai, fir bhi main yahan par koshish karungi kuch jhalkiyan dikhane ki. So without any further delay, let's get started. भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन के पीछे इस मुगल गार्डन को बनाया गया है। इस गार्डन में एक साथ रंग बिरंगे फूलों की कई किस्में आप देख सकते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, लिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गार्डन की खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस गार्डन को आम जनता के लिए खोलने का आदेश दिया था। तब से अब तक हर साल इस गार्डन को करीब महीने भर के लिए आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। इस बार 6 फरवरी से 10 मार्च तक आम जनता के लिए इस गार्डन को खोला गया है। मुगल गार्डन में हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन, म्यूजिकल गार्डन और आध्यात्मिक गार्डन जैसे कई अलग अलग सेक्शन हैं, जो मैं आपको वीडियो में धीरे धीरे आगे दिखाने वाली हूँ। जब आप गेट नंबर 35 से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ हर्बल गार्डन देखेंगे। यहाँ अलग अलग तरह की जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ उगाई जाती हैं, जैसे कि तुलसी, गुड़मार, लेमन ग्रास, अश्वगंधा, ब्राह्मी और इसी तरह की और भी कई किस्में यहाँ आप देखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप गार्डन के सेकंड सेक्शन यानी कि बोनसाई गार्डन में पहुंचेंगे। जापानी भाषा में बोनसाई का मतलब है बौने पौधे। ये बड़े बड़े पेड़ों का छोटा रूप होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें गमलों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। बोनसाई पौधों को गमले में इस तरह उगाया जाता है कि उनका नेचुरल स्ट्रक्चर तो बना रहे, लेकिन आकार में वो बौने रह जाएं। भले ही ये बोनसाई होते हैं, लेकिन उतने ही एक्सपेंसिव भी होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं म्यूजिकल गार्डन को। म्यूजिकल गार्डन में आप कई तरह के फाउंटेन देखेंगे, जो यहाँ बजाए गए म्यूजिक के धुन में थिरकते हुए नजर आएंगे, जिसको देखना वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे यहाँ फूलों और फाउंटेन के अलावा फलों के भी पेड़ हैं, जैसे कि आप यहाँ ये संतरे का पेड़ देख रहे हैं। Thank you.
मैं जहाँ आई हूँ यहाँ पे गुलाब की बहुत सारी किस्में हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। निखरकर आ रहा है और यहाँ पे जितने भी आप फ्लावर्स देख रहे हैं ना, काफी खुलकर उनके कलर्स नजर आ रहे हैं। अब हम एंटर हो चुके हैं वृत्ताकार गार्डन यानी कि सर्कुलर गार्डन में। इस वीडियो में फूलों की एक्चुअल खूबसूरती को कैद करना काफी मुश्किल है। काश मैं इस वीडियो में इन फूलों की एक्चुअल खूबसूरती आपको दिखा पाती, लेकिन यकीन मानिए जब आप इस मुगल गार्डन को खुद करीब से एक्सपीरियंस करेंगे तो ही आप नेचर की खूबसूरती को एंजॉय कर पाएंगे। लास्ट सेक्शन यानी कि आध्यात्मिक गार्डन की। वैसे तो इस गार्डन में कुछ भी खाने पीने की चीजें ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जब आप पूरे मुगल गार्डन की सैर कर लेंगे तो एग्जिट की तरफ आपको कुछ इस तरह के स्नैक्स के स्टॉल भी मिल जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि मुगल गार्डन में आप जाएं क्यों? मेरे पास इसके 5 रीजन है। पहला, एक ही तरह के फूल की बहुत सारी वेरायटी आपको एक ही साथ एक ही जगह देखने को मिलती है। दूसरा रीजन,
मॉल रेस्टोरेंट तो आप जाते ही रहते हैं, मगर इस तरह के गार्डन की सैर करने का अलग ही मजा है। तीसरा रीजन, इस गार्डन को देखने के लिए टिकट एकदम फ्री है। चौथा रीजन, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सैर करते करते क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिफ्थ रीजन, नेचर को करीब से जानने और देखने का अच्छा मौका मिल जाता है। इस गार्डन की सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी फिलहाल ये याद रखिए कि ये गार्डन 10 मार्च 2019 तक ओपन है और मंडे को ये गार्डन बंद होता है। So that's it guys for today. I hope you like my video. If you like my video, so please hit the like button and don't forget to subscribe my channel.